ममता देवी हेलो करो। कर ले कर ले कर ले तस्सु करो। अच्छा राधे राधे करो। देखो करो राधे राधे। कैसे कर रही है ये तस्सु? क्या कर रही हो पटिया? क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या तो राधे राधे वो नहीं बोलती। बोलती कम है। ये हमारी बचपन की तो नहीं कहेंगे, बीच में मिली थी आके। बीच में मिली थी, नाइन्थ में मिली थी GGIC में। नाइन्थ क्लास की मेरी फ्रेंड है। बचपन वाली तो ये कहूँ ना मिली अभी। बचपन पता ही नहीं कहाँ गुजरा, कहाँ बीता। नहीं सो तो सोनू उनू कनेक्ट है पर फोन पे नहीं आई कोई अभी तक। हम तो थे जब वहाँ सकरार झांसी में थे उधर। तुम्हारी बचपन की तो नहीं पता, हमारी बचपन की है। नहीं तुम ज्ञान मंदिर में थी? यहाँ कहाँ, यहाँ नाइन्थ में तो आई है। अच्छा तो झांसी में से किया। अच्छा हाँ ठीक है, नाइन्थ में आई जी जी आई सी मिले थे। नाइन्थ के बाद फिर चले गए थे। नाइन्थ में जितनी बन पाई थी बन गई थी। सही बात है। पहले तो हमारी बोलचाल नहीं थी ज्यादा, ममता सी घमंडी थी वो। घमंडी घमंडी कहीं नहीं थे ये, वो घमंडी थी। जब यहाँ रहने आए हैं मंदिर वाले मकान से दोस्ती हुई है। दोस्ती तो स्कूल में ही हो गई थी, लेकिन कब बोलते थे हम लोग? घमंडी थी, झूठ बोल रही, घमंडी थी। तो बोलते कहाँ, वो कितना खुश हो रही है। तो बोलते कम थे यार। ये है हमारी नाइन्थ क्लास की फ्रेंड, अभी तक चल रही है, बुढ़ापे तक चलेगी हमारी दोस्ती। अब जब तक मकान है इधर तब तक तो चलेगी। मकान का एक हमारे इधर है, जो यही सर्विस लेके बढ़ने चली आई है हमारी खुबड़िया में। जब तक तुम बहके आओगे तो हम तुम्हें पीछा न छोड़ेंगे। जय माता दी, राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी? और आज मायके में मेरी बचपन की फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए आई हुई है, मेरी सहेली जो कि मेरे बहुत ज़्यादा करीब रही है। और हम लोग अपनी हर सुख दुख हर तरह की बातें एक दूसरे से शेयर करते रहे। और इस बार काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। मोस्टली बीच में कभी मायके आई भी हूँ ना तो मिलना नहीं हो पाया, क्योंकि मेरी ये जो फ्रेंड है ना तो ये सर्विस करती है तो इतना टाइम ही नहीं रहा, क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिल पाती है तो हमारा मिलना ही नहीं हो पाता है। इधर मैं काफ़ी टाइम के बाद इससे मिल रही हूँ, अपनी फ्रेंड से, और बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी, सुख दुख की, हंसी खुशी की और दुख सुख की, हर तरह से ना हम लोग की दोस्ती बहुत अच्छी है। और हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। पहले तो नादान थे तब इतनी अच्छी दोस्ती थी, और अब तो एक समझदारी वाली उम्र आ चुकी है हम लोगों की, तो अब तो बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को समझते भी हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम भी समझते हैं। तो मेरी फ्रेंड का नाम ममता है, और इससे पहले भी मैंने ना करीब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तब मैं मायके आई हुई थी, करीब 2 साल हो गए हैं, तब मैंने अपनी वीडियो, अपनी फ्रेंड का वीडियो बना के शेयर किया हुआ था। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी तो फिर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद मैं सीधा तब से मैं अब मिल रही हूँ अपनी फ्रेंड से, बिल्कुल मिलना ही नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर ममता मम्मी से बातें कर रही है और मैं थोड़ा सा बच्चों को भी देख रही थी, क्योंकि ना बच्चे छोटे छोटे से हैं और भाभी लोग लगी हैं काम में, तो मैं बच्चों को भी देखती जा रही हूँ, बातें भी करती जा रही हूँ, मस्ती भी करती जा रही हूँ। और थोड़ा सा ना बातों से ज़्यादा मुझको इंटरेस्ट रहता है मस्ती मजाक करने में, हंसने हंसाने में, तो बस इन्हीं सब चीज़ों में लगी हुई हूँ और बच्चों को भी देख रही हूँ। तो चलिए आज आप मेरी फ्रेंड से भी मिल लीजिए और लास्ट तक मेरे वीडियो को इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा कि देखिए जब बचपन के दोस्त मिलते हैं ना तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है, मतलब कल्पना नहीं कर सकते हम लोग शब्दों में, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक कहते हैं ना कि रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ एक तरफ, और बचपन की दोस्ती, बचपन का यार, बचपन की सगी सहेली एक तरफ, तो कुछ ऐसा ही रहता है ये दोस्ती का रिश्ता। और बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी, और हमारी दोस्ती के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और आगे देखिएगा कितना ज़्यादा हम लोगों ने मस्ती मजाक किया है, कितना ज़्यादा इंजॉय किया है हम लोगों ने। और यहाँ पर हम लोगों का नाश्ता पान खाना पीना सब कुछ हो चुका है, खाना पीना तो नहीं हुआ था, हाँ नाश्ता वगैरह हो चुका है। और हमारी मतलब मायके की तरफ मैं आपको बताऊँ ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी समोसे मिलते हैं। तो हमारे यहाँ ना जब भी कोई आता है तो कभी ऐसा नहीं होता है कि वो समोसे खाए बिना जाता हो, तो समोसे तो भाई कंपलसरी होते हैं हमारे घर में। अभी गाली दे ले हम साइलेंट कर लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं गाली गाली, गाली। अरे समझदार हो गई है, हम यहाँ से कह रहे थे गाली देगी आके।
नहीं हम ना देंगे, जाने की तैयारी हो रही है। गले मिलियो कहा? गले मिलने में क्या दिक्कत है? गले मिलने गले मिलने गले मिलने अच्छा चलो बाय बोलो सबको। बाय जा रही हो? जा रहे हैं। बताओ हम पकड़िया बने थे, ये तैयार हो के आई है देखो। हमें ऐसा लग रहा है जी हमारी 9th क्लास वाली फ्रेंड कब आओगी? अब हम आएंगे ना अगली बार, तब फिर आएंगे। जाने के लिए पहले जाते कि हमको भी जाना है। हाँ तबीयत की वजह से शकल देखिए कैसी हो गई है ना, बहुत अजीब शकल हो गई है। जरा सा भी बीमार हो जाओ शकल पहली 12 बजा देती है। और ममता के जाने का टाइम हो गया है, विदाई करते पता चला लौट फिर आ जाए फिर खाना बनाना पड़े बैठ के। तुम्हारे लगाएंगे भी हम तो छोड़ो चले अभी रुक जाओ अब लो। हम दो हमारे दो बच्चे हम तुम एक से लगेंगे। आओ आओ ये आओ हम तुम एक से लगेंगे। आओ इधर आओ ये लो इधर से। बाय बाय इधर पास ही जा रहे हैं। बाय बाय कर लो। हम व्हाट्सएप पे डाल देंगे पिक्चर। वाह तो बाय कह रहे जा रहे, हम कह रहे बाय। अब अगली बार आएंगे बाय बाय। क्या कह रहे हैं? अरे यार ये बच्चों की मस्ती ना। ममता आप अगली बार आएंगे ना तब आएंगे, तब आएंगे तब नहीं आपको लेके आएंगे। हमारी बिटिया सीधी है द्वार का लाइन मार रहा है। पता हम लोग हमारी बिटिया को पता होता है ये गाना हुआ है नहीं मालूम है कह रहा है मेरे लो सैया वो तो जाता है पता नहीं। भरोसा रहे तो उनका 5 साल कुंडी लगा बाबा को बता दी। बाबू जा रही है तैयार खड़ी है इसलिए अपनी जुगाड़ में है कि ये जा रही है तो इनकी कोच चल रही है। बोले लिया दुपट्टा बिटिया मम्मा से क्या कह रही हो आप? बुआ अरे यार मामा की सुबह भर को तो छोड़ दे अब ना बना यार जाने दो मतलब माना तुम ठीक है जब प्लीज बना देना खड़े होके रुक जा। मेरी बोल नहीं आ रही कह रही हूं तो क्या कह रही हूं जो लग रहा है ना जाने को मिल रहा है। चलो मैं बर्तन धो रही हूं तेरे को मैं बर्तन धो रही हूं फ्रेंड में बर्तन धो रही हूं बर्तन धो ले यहां पर टाइम हो जाएगा ना तुम्हारा वीडियो तो बनता रहेगा इनका बना लियो करो आंखों का चार्जर जाने 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 जाओ तो जा रही है मेरी फ्रेंड। और जितनी खुशी मिलने की हुई थी ना उतनी खुशी मतलब उतनी ज़्यादा तकलीफ जाने की भी होती है अलग होने की भी होती है क्योंकि एक मायका और बचपन के दोस्त ये दो ऐसी चीज़ है ना जहाँ हम खुल के जी पाते हैं बाकी की ज़िंदगी को सिर्फ जिम्मेदारियाँ उठाने में निकल जाती है। और इस बार मैं सोच के आई हुई थी कि मैं मायके 10-12 दिन रुक के आऊँगी और क्या कहूँ कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि ये कुछ ऐसे मूमेंट होते हैं ना जिनको थोड़ा सा ना तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बस वही है ना कि चलती का नाम जिंदगी तो जिंदगी चलती रहती है और बिछड़ना मिलना रूठना मनाना सुख दुख धूप छाँव ये सब तो लगे ही रहते हैं ये सारे जीवन के पहलू हैं। और बड़ा इमोशनल हो गई हूँ मैं भी इस टाइम पे। क्या बात है तशु 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 सॉक्स क्यों उतारे तुम्हें समझ में नहीं आती इतनी ठंड है तो घर में तुम शैतानी कर रहे
और करो और करो। अरे बाप रे। दशु दशु।